स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग एक बहुत गहरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि इस कैमरा कंपनी टाइम, यानी कि कैमरा बनाने वाली जितनी कंपनी है जिनका मतलब मेन काम होता है कैमरा बनाना, क्या उनका मतलब समय समाप्त हो चुका है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले फिलॉसफी समझते हैं। तो अगर आपको ये फिलॉसफी जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इससे नहीं मन भर रहा है तो आप वीडियो यहीं छोड़ दीजिएगा, इसके बाद आपका कोई काम नहीं। अगर आप इस फिलॉसफी से एग्री करते हैं तभी आने वाले सारे पॉइंट्स जो मैं आगे वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगा उसका सेंस बनेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि फोटोग्राफी का एक बहुत कोर इंपॉर्टेंट है अबाउट मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि फोटो का क्वालिटी से किसी को कोई लेना देना नहीं है कि ये भैया फुल एच डी है कि नहीं, या मतलब 10 फुट का प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं, डीपीआई कितना है, कलर डेप्थ क्या है, उसको किसी को कोई लेना नहीं है। किस मोमेंट का आप फोटो खींचे वो मायने रखता है। जैसे कि आप हज़ारों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से कह सकते हैं, लेकिन उन लोगों का मेन खर्चा लगता है कि किसी तरह से ऐसे मोमेंट को कैप्चर करें, ऐसा एक समय की छोटा सा स्लाइस कैप्चर है जो कोई और ना कर सके या कुछ यूनिक दिखाए। जैसे कि बंदर केस में आपको खूब सारे बंदर के फोटो मिले, कितना चांसेस होगा कि आपको मिलेगा कि एक बंदर लटका हुआ है और दूसरा बंदर उसके पूंछ से लटका हुआ है, बहुत मुश्किल होता है। और एक तो और फोटो है जिसमें एक बंदर दो दो पूंछ से लटका हुआ है, ये सब बहुत रेयर इवेंट होता है। तो वो टाइम का कीमत है, वो एक इवेंट हुआ जो मतलब अगर आपके पास फोटो नहीं रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप 1000 फोटो ले लीजिए, एकदम ऐसा लीजिए 80 मेगापिक्सल के एकदम जूम करके एक रेशा दिखा दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। समय का वैल्यू है, यानी कि जैसे बच्चा रो रहा है आप उसका फोटो खींच रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा का एक नेचुरल स्माइल है, नेचुरली हंस रहा है, उस फोटो का तो लोग पैसा देते हैं, कीमत दिया जाता है उसका, स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक फोटोग्राफी में उसकी काफ़ी वैल्यू आती है। तो वही समझिए मोमेंट ऑफ टाइम का कीमत ज़्यादा है, यानी कि हो क्या रहा है वो इंटरेस्टिंग है, तभी बाकी सारा चीज़ बस एक्स्ट्रा है। तो यही समझिए क्वालिटी जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइटिंग कैसा है, फ्रेमिंग कैसा है, ये सब उसमें ऐड करता है, कोर नहीं है ऐड करता है। यानी कि जैसे सनसेट का आप लोग फोटो खींचते हैं, बोलता जाता है उसको रूल ऑफ थर्ड्स में रखो, सनसेट ही नहीं हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। वही हिसाब से समझिए समय सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आप किस चीज़ का फोटो खींच रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा चीज़ सिर्फ उसको ऐड करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करें, वो ऐड करता है कि मतलब आपने घर अच्छा से बना दिया अब उसके बाद पेंटिंग भी अच्छा से कर दो। तो वही समझिए। और यहाँ पे एक सिंपल पब्लिक का यानी मेरा सबका एक एवरेज लोगों का कंसेंसस यह है, एनी फोटो इज़ बेटर देन नो फोटो। यानी कि कुछ हुआ, बेमिसाल हुआ, बमंग चीज़ हुआ, आपने उसको आंखों से देखा ठीक है, लेकिन आपका दिमाग उसको कुछ दिन में इरेज कर देगा, लेकिन वहीं फोटो खींच लेगा फ़र्क नहीं पड़ता कि एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा से एकदम फाइन ट्यून करके एकदम चकाचक फोटो लिए फ़र्क नहीं पड़ता, फोटो है कि नहीं है तो बढ़िया है। तो यहीं पे समझिए कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि मेरे पास एकदम अति गदगद फोटो हो या ऐसा फोटो इक्विपमेंट रहे जो मुझे हर समय फोटो लेना था ताकि मैं मोमेंट को कैप्चर कर सकूं, लोग मोमेंट के पीछे जाएंगे क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका हाँ एक ठो ये महल है जिसका सब लोग फोटो खींचते हैं, इसका मेरा भी एक ठो 80 मेगापिक्सल का फोटो है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही समझिए कि अगर आपके पास ऑप्शन रहे कि मेरे पास बम DSLR है जो मैं कभी कभी लेके निकलता हूँ और एक मोबाइल फ़ोन है जो हर समय मैं लेके निकलता रहता हूँ, हर समय फोटोग्राफी करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होता है। ये हर किसी के साथ ये रूल लागू होता है कि कुछ भी फोटो रहे वो ज़्यादा बेटर, फ़र्क नहीं पड़ता कि मोबाइल से लिया हुआ है कि कैमरा से लिया, फोटो लिए हैं कि नहीं। तो ये फिलॉसफी होता है। और मोबाइल आपके पास है और ये हमेशा आपके साथ है। मोबाइल का एक मतलब एक्चुअली लोग समझते हैं इसका मोबाइल फोन, मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल होना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ना मूव करना पॉसिबल होता है। जैसे मोबाइल रॉकेट लॉन्चर का मतलब होगा कि वो मोबाइल से नहीं लॉन्च कर रहा है, वो मतलब गाड़ी पर लॉन्च कर सकता है, इधर से उधर जा सकते हैं, मोबाइल का वही मतलब होता है। तो DSLR के कंपेयर में या मिररलेस के कंपेयर में मोबाइल काफ़ी मोबाइल होता है, आपके पॉकेट में रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है, बस निकाले और कुछ हो रहा है, कुछ यूनिक चीज़ हो रहा है, कुछ रेयर चीज़ हो रहा है, बस धड़ा से निकाले खींच लिए काम खत्म। और मैंने आपको बता रही कोई भी उसको बोलेगा कि वो मोमेंट अगर खास था तो लोग खुश रहेंगे आपका फोटो से, अगर वो ऐसा रहा कि वो मोमेंट कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम, कोई नहीं बोलेगा कि अरे रुके रहे ये जो चीज़ हो रहा है ये रुका रहेगा, हम जाके घर से DSLR ले आते हैं। तो इसीलिए ये फिलॉसफी का अब असर मार्केट में पड़ रहा है। तो यहाँ पे समझिए लोग बदले हैं, ये बात एकदम सही है, लेकिन बातें लोग हमेशा बदलते रहते हैं, ये रियलिटी है। तो कंपनी ने एक फॉल्टी बिहेवियर माइंडसेट फिलॉसफी अपनाया और उसका कीमत फोटोग्राफर्स को देना पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन समस्या आया, ये सारी कंपनी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी का है, कि ज़रूरत से ज़्यादा मॉडल बनाने लगे। मतलब कपड़ा के जैसा कि ये मॉडल भी बना दो, वो मॉडल भी बना दो, हर्षई भी बना दो, दीर्घई भी बना दो, धनसई, मतलब क्या क्या क्या, मतलब 6-7 मॉडल में काम हो जाता है। मतलब आपका दाम शुरू से लेकर अंत तक का, मतलब जो आपका सबसे नीचे आप उतार सकते हैं जो सबसे ऊपर उतार सकते हैं, 6-7 मॉडल में आराम से कवर हो जाता है ये पूरा, मतलब आपका जो विड्थ है आराम से कवर हो जाएगा 6-7 मॉडल्स में। अब उसके जगह 25-26 मॉडल निकाल देना,
कन्फ्यूजिंग कर देता है। और इसका ये समझिए कि ये जानबूझ के कचरा पैदा करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर अभी मेरा जैसे जब चार्जर लट रहा था तब मुझे पता चला कैनन के कितने सारे बैटरी हैं जो एलपी हैं, और ये एलपीई सीरीज के जितने बैटरी सबका लगभग वही है, सब में दो ही सेल होते हैं, मतलब लिथियम आयन के दो सेल, इसीलिए सर 7.2 वोल्ट्स के हैं। सबका मिली एम पावर रेटिंग सबका ऑलमोस्ट सेम है, सब में ऑलमोस्ट चार टर्मिनल दिया। तो भैया इतने सारे मॉडल क्यों हैं कि मतलब E6 इस कैमरा में लगेगा, E17 D800 में लगेगा, E10 D500 में, ये क्या नौटंकी है भाई, जो मतलब सबकी रेटिंग सेम है, सबका कोर टेक्नोलॉजी सेम है, बस टट्टी कर रहे हैं, मतलब हम हौच-पौच करते रहे। ये काफ़ी लोगों का कहना कि ये कंपनी ऐसा करती है कि आपसे ज़्यादा पैसा ले सके, हम लाइक उससे ना तो कंपनी को ऐसा फायदा हो रहा है, क्योंकि इसी सब के चलते लोग ये करना लगते भैया हम चाइनीज़ खरीद लेते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं, मैं जेन्युइनली जब लटका था तो कि ठीक है मैं नया बैटरी खरीद लेता हूँ, क्योंकि जिस टाइम मेरा चार्जर बिगड़ा मुझे नहीं पता था मेरा चार्जर खराब हुआ कि बैटरी खराब हुआ, तो मैंने दोनों ऑर्डर किया था, है ही नहीं। मतलब दुकान वाले बोल रहे थे सर E10 मेरे पास है आप अभी ये ले लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए कैनन का ऐसा रहता कि E10 जितने E सीरीज में सब में E10 ही लगता है, आपको आपको दिमाग नहीं लगाना, मतलब आप सीधे बोलो E है, मतलब और बड़े कैमरा में एक बड़ा अलग से रखा हुआ, ऐसा नहीं है, मतलब इतना हौच पौच किया हुआ है कि बैठ के आपको मतलब PhD करना पड़ेगा कि अच्छा इस कैमरा में ये बैटरी लगता है, इस कैमरा में ये लगता है, मतलब क्या है क्यों है। तो इस सब का प्रॉब्लम ये होता है कि इससे जो प्रोडक्ट लाइन ना बनता है वो मैसी होता है और ऊटपटांग लिमिटेशन रहता है। जैसे कि ये बैटरी इस कैमरे में लगेगा तो USB चार्जिंग मिलेगा, ये बैटरी दूसरे में लगेंगे USB चार्जिंग आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई, यही होता है कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने कंपनी चाहता है ना कि हम आपको ऐसा कर देना कि आप 10 रुपये एक्स्ट्रा दो तो यहाँ आ जाओ, 20 रुपये एक्स्ट्रा दो तो यहाँ आ जाओ, लेकिन यार होगा ये वाला कम नीचे वाला नहीं बिकेगा, तो एक काम करते हैं इसमें हम कुछ हटा देते हैं ताकि वो पिछला कम दाम वाला बिकने लग जाए। तो बहुत सारा ऊटपटांग फीचर्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि फ्लिपकार्ट स्क्रीन बहुत हाई एंड में नहीं देते हैं या टच स्क्रीन नहीं देते थे, तो ये सब लिमिटेशन के चलते कंफ्यूज हो जाएगा फोटोग्राफर कि भैया तुम्हारे कंपनी का प्रोडक्ट है तुम ही उसको क्यों क्रिपल कर रहे हो। और ये ऐसा नहीं कि कैनन केस में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे अभी एक्सपीरियंस करना पड़ा इसका बैटरी वाला तो मुझे पता है, और मतलब फजी है था, मतलब लिटरली लोग बोलने कह रहे हैं सर कैनन जब देखो तब नया बैटरी मॉडल निकाल देता है, स्टॉक देता नहीं है, हम लोग परेशान रहते हैं। तो परेशानी सबको होती है, और सबसे बड़ा और ये हर कैमरा इस मामले तो नाइकॉन माई गॉड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, मतलब आप मोबाइल का कोई भी मैन्युफैक्चरर लें जो आज आया है या मतलब 2 साल बाद आएगा मार्केट में, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जो करंट है वो दो, मतलब आप 2020 में उसे जज करोगे, आप ये नहीं जज करोगे अच्छा ये नया कंपनी है तो मैं जज करूँगा आईफोन कैसा था जब नया नया आया था वैसे जज, नहीं आप जज करोगे 2020 में बाकी सब कहते हैं तुम उस लेवल पर हो कि नहीं, अगर नहीं हो तो हम नहीं खरीदेंगे। कैमरा केस में ऐसा करने लगे जैसे कि काफ़ी फोटोग्राफर्स का ये कहना था कि कैनन के मिररलेस को उतना जज मत करो क्योंकि मतलब कैनन अभी नया है, मतलब ये किस टाइम में लागू होने लगा, मतलब कोई भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हम तो मतलब सबको इसके पीछे पड़ जाएगा कि नहीं भैया 2020 में तुम ऐसा गलती कैसे करती है। तो ये मतलब जो फोटोग्राफर्स लोग अलाउ कर दिए कि नहीं कंपनी को नहीं घिसे इस बात पे, कंपनी भी ट्रोल करने लगे नहीं हम देंगे ना आधे जमाने का टेक्नोलॉजी तुम करोगे तो करोगे क्या। तो इसका मतलब जेनरली मैं हैरान हूँ कि 2018 में मैंने जो कैमरा लिया था उसमें मिनी USB कहाँ से आ गया, जबकि माइक्रो USB कब का स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था, मिनी पोर्ट इनको कहाँ से मिल रहा था, मतलब फिजिकल पोर्ट कौन सेलर भेज रहा है इनको जो ये लगा है, बस जानबूझ के दे रहे हैं आप क्या करोगे, नहीं करोगे तो तुम करोगे क्या। यही सबके कारण से होता है कि प्रोडक्ट जेनरली आप हाथ पे पकड़े यार ये 2020 का प्रोडक्ट है, मतलब 2020 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसमें अच्छा टच स्क्रीन हो, उसमें अच्छा सा USB चार्जिंग हो, पूरी दुनिया लगन मेहनत कर रही है कि भैया ई वेस्ट कम पैदा करते हैं तो चार्जर का एक एक्स्ट्रा झमेला कम करो, नहीं हम नहीं देंगे क्या कर लोगे। तो यही सब के चलते एक तो पहले खूब सारे मॉडल निकाले, पहले तो आपको बैठ के PhD करना पड़ेगा कितने कौन से मॉडल क्या करता है, दूसरा उसके चलते खूब सारा मैसी आउटपुट हो गया कि किस में कौन बैटरी लगेगा, किस में कौन सा चार्जर लगेगा, किस में कौन सा डॉक लगेगा, किस में कौन सा ग्रिप लगेगा, सब हौच पौच हो गया। और टेक्नोलॉजी जो दे रहे हैं वो सब आउटडेटेड है किसी भी टेक्नोलॉजी और के कंपेयर में नहीं, मतलब आपको मान लीजिए कि नई गाड़ी आती है मार्केट में और वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे रियर कैमरा क्योंकि जब दूसरी कंपनी आई थी ना उनको 12 साल लगा था रियर कैमरा, तब हम आज से 12 साल बाद देंगे, बोले क्या पला गया है क्या। तो वही ये कैमरा में हो रहा है, एक्चुअल चीज हो रहा है कैमरा में कि मतलब नाइकॉन जब रिलीज किया मिररलेस तो नहीं हम उसमें डबल कार्ड स्लॉट नहीं देंगे, आपको पता है डबल कार्ड स्लॉट क्या चीज टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, आप अपने D800 में देते हो आपको पता है कि वो कितना वैल्यूएबल चीज है, जानबूझ के नहीं दी हम नहीं देंगे, नहीं, हम आने वाले टाइम में देंगे क्योंकि नए नए में नहीं दे पाएंगे, ये क्या नौटंकी है भाई। तो ये सब नौटंकी के चलते पब्लिक जो है
जो खरीद रही है वो ऐसे जगह में फंस गई ना कि उनको मेहनत करना पड़ रहा है अपने इक्विपमेंट को चला के, ना कि इक्विपमेंट मेहनत कर रहा है कि भाई हम आसान हो जाए। तो इसका सीधा एक TLDR अगर कहें तो होता है जीरो फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस, कोई लेना देना नहीं कंपनी को। जैसे सोनी का मेन्यू, माई गॉड, लिटरली कोई भी उससे अच्छा बना दे, कोई भी आर्टिस्ट जिसका काम होता है UI डिज़ाइनर जिसे हम लोग कहते हैं, कोई भी उससे अच्छा बना देता जो ये 8 साल तक रखे मार्केट में। मतलब नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं भाई, लोग तुमको नहीं पैसा देंगे, तुम ही भूखे मरोगे। ये मतलब ये ऐसा जो बेवकूफ़ी करके चलना कि यूज़र इंटरफेस को ना फोकस करना, ले डूबता है कंपनी को। अच्छी अच्छी कंपनी डूब गई इस चक्कर में, और ये लोग नहीं, नहीं हम फोकस नहीं करते, नहीं मैनुअल पढ़ो, 50 को वीडियो देखो, तब जाके समझ में आएगा कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है। ये जो यूज़र फोकस को हटा दे रहे हैं कि नहीं यूज़र का काम आसान होना चाहिए, उसको फोटो लेना भी है, फोटो लेने दो ना भैया, मेरा PhD करने की जरूरत नहीं है आपके कैमरा मेन्यू का। तो ये सब पे जो करते हैं, मतलब जनरली बाल खुजाने वाला बात हो जाता है, भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो इससे फ्रस्ट्रेशन होता, और इससे आप काफ़ी लोगों को जानते होंगे जो लोग कैमरा खरीदे, यूज़ किए, इतना क्लंकी फील हुआ, इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि भैया शांति से अलमारी में रख दो, दरवाजा बंद कर दो, भूल जाओ कि हमने कैमरा लिया है। और ये काफ़ी लोग, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लोग से 2 या 3 दोस्त के बाद पूछेंगे ना, अरे ये दोस्त उसको जानता है, वो दोस्त उसको जानता है, पहुँच जाइएगा उसके पास जिसके पास या कैमरा खरीदा गया है और रख दिया गया है अलमारी में, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस जेन्युइनली टट्टी है। जैसा कि USB चार्जिंग, अभी भी आप गारंटी नहीं दे सकते कि सारे कैमरा में होंगे। वायरलेस ट्रांसफर अभी भी, यानी 2020 में भी कैमरा आपको मार्केट में आ रहे हैं जिसमें वायरलेस ट्रांसफर नहीं है ढंग से। USB 3.0 आके कब का हो गया, USB 3.0 सारे के सस्ते सस्ते लैपटॉप में आने लगा, लेकिन अभी सारे USB कैमरा में नहीं, इक्का दुक्का में है। USB-C वो तो छोड़ दीजिए, अब ये USB चार्जिंग नहीं दे रही, USB-C तो बहुत आगे का बात हो गया। तो ये समझिए कंपनी ये जो पोपटपंती कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, लिटरली लोग बोले ठीक है हम नहीं खरीदेंगे, बाद में बाद मत रोना कि भैया तुम्हारा 5 साल से क्यों मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा। और आप बोलेंगे नहीं मैं कौन हूँ या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सब कंपनी बम्बा में, नहीं, इसका आपको असर तुरंत दिख रहा होगा कि पहले पॉइंट एंड शूट कैमरा आता था, वो एक मार्केट का सेगमेंट था, बड़ा सेगमेंट था। नाइकॉन इसीलिए बहुत पॉपुलर है, नाइकॉन कूलपिक्स बम बम पैसा छापता था, नाइकॉन स्वाहा हो गया। तो वही समझिए पॉइंट एंड शूट सबसे पहला था जो लटका इस चक्कर में, फिर दूसरा हैंडीकैम सबको पता था वो भी स्वाहा हो गया, फिर DSLR अब स्वाहा हो रहा है उसका टाइम है, पूरी की पूरी कैमरा कंपनी गायब हो गई है, जैसे कि सैमसंग था, ओलंपस था, और बाकी बहुत सारी कंपनी का हालत ऐसा है कि आने वाले 1-2 साल में वो मतलब बोरिया बिस्तर बंद करने पे आ सकते हैं, जिसमें कि पैनासोनिक नंबर पे लगा हुआ है, नाइकॉन लगा हुआ है नंबर पे, क्योंकि ये दोनों कंपनी जेन्युइनली अच्छा से नहीं प्रॉफिट बना पा रही है। तो मतलब लिटरली कंपनी की कंपनी बंद हो चुकी हैं, और उसके बाद भी ये लोग कंपनी अपने आप को सुधार नहीं रही है। तो ये ऐसा बात नहीं है कि वो कुछ नहीं होगा सब कंपनी चलती रहे, लिटरली आप ये देखिए कैनन और नाइकॉन दोनों कूद पड़े 2008 का मार्केट क्रैश के बाद से, दोनों कूद पड़े कि भैया हमको अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करना है अपना ऐसे, ताकि लटके नहीं हम लोग। उसके बावजूद भी पिछले 5 साल से इनका स्टॉक नीचे पे नीचे चलाया जा रहा है, क्यों? वही मतलब लिटरली ध्यान ही, कस्टमर को क्या है, कस्टमर को सीखना पड़ेगा। कस्टमर बोल लेगा ठीक है जाओ बाय बाय, एंड्रॉइड तो रोज मेहनत कर रहा है कि भैया आप हमारे पास आइए ना, अरे हम आपका फोटो हम इतना बढ़िया कर देंगे लोग हैरान हो जाएंगे। आईफोन बोल रहा है अरे आपको टेंशन ही नहीं लेना सर, आप पॉइंट कर दो हम शूट कर लेंगे। तो वो सब कंपनी है एक तरफ, वो भी फोटोग्राफी। अब मैंने इसीलिए बोला था फिलॉसफी समझना जरूरी है, किस मोमेंट का फोटो खींचा, वो मोमेंट आपके सामने हुआ, आप कैमरा निकालो, कैमरा से लड़ाई करो, या मोबाइल निकालो, काम खत्म। बस वही बात है कि यूज़र एक्सपीरियंस को छोड़ देना, ले डूब रहा है ये, और डूब चुकी है कंपनी, डूब चुकी है। एक कोई भी कंपनी नहीं चाहता कि कैनन ऐसे बस नहीं बैठा था कि अरे हम प्रिंटर बनाते हैं, उनकी बैंड बजी पड़ी थी 2008 के बाद, तब जाके वो बनाए थे। तो इसका सलूशन है क्या, मतलब ये बात सही है, हकीकत है। और कोई भी मार्केट एनालिस्ट जो लंबे समय का गेम देखता है वो आपको सीधे बोल रहे भैया इनका बुरिया बिस्तर, और आपको दिखने लगा नाइकॉन इधर मित्सुबिशी के अंदर क्यों दिखाया जा रहा है, अरे एक कैमरा कंपनी जैसे पैनासोनिक के केस में मतलब उनका जब लूमिया लाइनअप था वो इंडिपेंडेंट दिखाते थे, लूमिया में इतना प्रॉफिट हुआ, लूमिया में तो पहले वो नंबर घटना शुरू हुआ टुक टुक टुक, अब वो इतना छोटा हो गया कि उसे लूमिया ऑप्टिक्स डिवीजन के अंदर डाल दिया। ऑप्टिक्स डिवीजन के अंदर खूब सारा और डिवीजन है, मिक्स करके उसके अंदर कर दिया। जब भी ये होता है उसके बाद वो या तो बंद किया जाएगा या तो उसे सेल ऑफ किया जाएगा, ऐसे ही करके सब चीज के साथ होता है। तो पहला इनको काम करना होगा अपना प्रोडक्ट लाइक सिंप्लीफाई करना होगा, हम ये चीज बेचते हैं इतना बेचते हैं काम खत्म, आपको 10,000 पीस नहीं लेना, आपको PhD करने की जरूरत नहीं है। उनको प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि ये है सबसे सस्ता, ये है ठीक है, यू नो एवरेज गुड एंड यू नो गुड एंड गुड, और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ज्यादा नहीं बनाने की जरूरत है, 6 कैमरा बहुत ज़्यादा हो गया, 10, 12 कैमरा, 15, 16 कैमरा नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। पब्लिक भी कंफ्यूज रहती है और कंपनी बनाने का भी नुकसान होता है, क्योंकि पर मॉडल कॉस्ट बढ़ जाता है उससे। तो पहला प्रोडक्ट लाइन सिंप्लीफाई करना है। इस मामले में कैनन का काफ़ी सारा रूमर्स है, और जो उनके
इवेंट्स लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो इस सेंस बनता है कि कैनन ये कर रहा है कि आर माउंट कैनन का फाइनल होगा, ठीक है, डीएसएलआर लाइन में, क्योंकि डीएसएलआर लाइन में इनके पास दो लेंस है, ईएफ है और ईएफएस लेंस है, दोनों अलग अलग आर्किटेक्चर है, वो उसको स्वाहा कर दिया जाएगा धीरे से। फिर एम सीरीज है, एम सीरीज उतना बिका नहीं और बिका भी तो कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि कैनन का फायदा होता है लेंस से, एम सीरीज में उतने लेंसेस ही नहीं है, तो उसको भी प्यार से स्वाहा करते हैं, एक दो बड़े मॉडल निकालेंगे उसके बाद प्यार से उसको हटा देंगे, तो सब हटा के पहले कचरा क्लियर करेंगे और फिर आर सीरीज रखेंगे। और आर सीरीज को कचरा बनने से बचाने के लिए लोग ये कर रहे हैं कि भैया आर सीरीज में एपीएससी नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ फुल फ्रेम रखेंगे, और उसका दो फायदा होता है, पहला कि फुल फ्रेम में अभी भी काफी जान बची हुई है एपीएससी का, तो मतलब आप जेन्युइनली एपीएससी और गूगल पिक्सल ले लेंगे तो एपीएससी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो फुल फ्रेम अभी भी इतना दूर रखा हुआ है और आप बोले उससे ऊपर क्यों नहीं चले जाते, माइक्रो फोर्थ में बात है, माइक्रो फोर्थ, ये माइक्रो फोर्थ बोल रहा हूँ, मीडियम फॉर्मेट, मीडियम फॉर्मेट का कोई मतलब नहीं होता, हर कोई अब मीडियम फॉर्मेट अलग बनाता है, किसी का मीडियम फॉर्मेट का मतलब होता है 45 मिलीमीटर, किसी का होता है 40 मिलीमीटर, किसी का होता है 65 मिलीमीटर, मीडियम फॉर्मेट एक रेंज है, एक्यूरेट नहीं है, और फुल फ्रेम का ये फायदा होता है 150 साइज, हर चीज़ इसी के लिए बनाया गया है, तो इसलिए फुल फ्रेम में चले जाएंगे और आर सीरीज इनका फाइनल हो जाएगी, ये हमारी कंपनी बनाती है। अगर ये कैनन कर लेते जेनविनली ये लोग मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहेंगे, क्योंकि कैनन के पास एक बेनिफिट ज़रूर है कि कैनन का मार्केट शेयर 45% के आसपास है और लेंसेज के मामले में ये बम बम है, तो ये इनका कर लेना कि मान लीजिए कल को ये प्रोडक्ट लाइन सिंप्लीफाई कर देते हैं तो काफ़ी लंबा टिक सकते हैं, तो ये एक पहला स्टेप होगा। दूसरा, यूजेबिलिटी अपने कैमरा का सुधारने हो गए, इस बात से मैं सोनी के बारे में हमेशा कहता था कि सोनी जापानीज ईगो पे चलते हैं कि वो लोग डूब मारेंगे लेकिन नहीं सुधारेंगे अपने आप को, और मैं पहली बार गलत साबित हुआ जब सोनी मतलब A7S3 निकाला, और जेनुअनली इसमें मतलब किसी ने बैठ के मेहनत किया कि किसी ने बैठ के कुछ ज़्यादा होशियारी नहीं की, बस पब्लिक क्या चाहती है, ठीक है, मतलब आपको जेनुअनली काफ़ी सारे व्लॉगर्स को लिटरली सोनी बुलाती है, हमारा पैसा आप अपना फीडबैक दो, सब लोग एक चीज बोले आप फ्लिपकॉर्ट स्क्रीन क्यों नहीं दे रहे हो, सबका एक हमको नहीं पता था कि कोई मांग रहा, पहले ले, आज के टाइम में ये सबसे आसान होता है कि आप फीडबैक कलेक्ट कर लो, सबसे आसान, और फीडबैक ट्रू ऑनेस्ट फीडबैक आपका प्रोडक्ट अच्छा बनाता है, और उसको सुनने में इनको इतना टाइम लग गया, 8 साल से है मार्केट में, उनको इतना टाइम लग गया, तो वही यूजेबिलिटी पे ध्यान देना होगा, जैसे मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसा मैजिकल चीज़ नहीं है जो इसका यूजेबिलिटी अच्छा करता, बस पब्लिक का बात सुन लिया, अच्छा HDMI हम उसकी वायरिंग कर लिए जो मेन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, एक काम करते हैं ना पोर्ट फुल साइज कर देते हैं, बम बम, तो यूजेबिलिटी में इनको ध्यान देना होगा, ये मामले में आईफोन बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि भैया आप इसको हाथ में लो ये काम करेगा, आपको PhD नहीं करना है, आपको मैनुअल नहीं पढ़ना है, मतलब मैं सबको बोलता हूँ मैनुअल पढ़ो क्योंकि सब कैमरा जेनरली ख़राब बनता है, मतलब इसका मेन्यू सिस्टम देखे किसने बनाया है भाई, क्यों बनाया है यार, मैं आके कर दूँ, मतलब मेरे टीचर उचर तो देख लेंगे इनका यूज़र इंटरफेस तो बोलेंगे भाई हम लोग को पढ़ाना ही बेकार हो गया, हम लोग BFA का ट्रेनिंग देना ही बंद कर देंगे, तो वही समझिए पहला तो उनको अपना यूज़बिलिटी सुधारना होगा, फ़ोन आसान हो जाना चाहिए, फ़ोन के जितना आसान हो जाना चाहिए, बस है फ़ोन, बस वो एक अच्छा कैमरा है। दूसरा, कनेक्टिविटी के मामले में माई गॉड नाइकॉन का तो मुझे आज तक समझ नहीं है कि उनके D50 सीरीज में 5000 सीरीज में ये लोग GPS देते थे, बाद में हटा किस बात का दिए, इनको अभी अब जाके किसी को कैनन वाले सीरीज में समझ में आया कि भैया GPS दुनिया का सबसे प्रिसाइज क्लॉक है, उसका इस्तेमाल करके सारे कैमरा को सिंक कर सकते हैं, कैमरा में कई बार होता है लोगों के साथ कि भैया डेट टाइम फिक्स आपने नहीं किया था और मैनेजमेंट के टाइम में लटक गया कि भैया ये कौन डेट को शूट किया, ये होता है सबके साथ होता है, इसीलिए क्लॉक को बार बार मैनेज करते हैं, और आप लोग देखते होंगे पुराने कैमरा में तो ये बहुत आसानी से दिख जाता है कि एक अलग बैटरी रहती थी जो सिर्फ घड़ी को मैनेज करती थी, तो वो सबसे बेटर है GPS यूज़ करो ना भाई, और GPS हटा दिए, मतलब सीरियसली फीचर डाला गया उसे हटा दिए, और ऐसा भी कोई नहीं कि GPS पहले स्टार्टिंग में G1 चिप आता था, फिर G2 चिप आने लगा जिसमें GPS और ग्लोनेस इस्तेमाल करने लगे जो रशियन सिस्टम था, फिर G3 चिप आया मार्केट में जो आपका रशियन सिस्टम ग्लोनेस, अमेरिकन सिस्टम GPS और चाइनीज सिस्टम बिंदु का इस्तेमाल करने लगे, और बिंदु का बोल रहा हूँ मतलब गैलीलियो, ये यूरोपियन यूनियन का GPS सिस्टम है, तो ये G3 चिप हुआ, आपके मोबाइल में G4 से G5 तक का चिप है जिसमें हर कॉन्स्टेलेशन का डेटा इस्तेमाल करते हैं, पावर कम खाता है, एक्यूरेसी ज़्यादा देता है, टाइम बम बम देंगे देंगे नहीं, मतलब सीरियसली सीरियसली, मतलब तुमने एक फीचर दिया जो कम बिजली में कम दाम में इतना बढ़िया चीज़ दे देता है, उसको तुम मतलब नहीं डाल रहे, कनेक्टिविटी को इनको बहुत सुधारना पड़ेगा, मतलब आज के टाइम में ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा मतलब इसको हॉटस्पॉट का ज़रूरत है, आज के टाइम में ये सब क्लेम नहीं चलेगा, जेन्युइनली इनको कनेक्टिविटी पे बहुत मेहनत करना होगा, और हर मामले में मतलब कि भैया शांति से ये आप कर रहे हो कि कैमरा है मेरा तो ऐसा कर सकते हैं कि डेटा इधर से उधर डायरेक्ट चला जाए हाई स्पीड से, ऐसा नहीं कि हाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, USB 3 इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी इनको हर मामले में सुधारनी पड़ेगी, और कंप्यूटर के तौर पर बनाइए, जब इतना महंगा प्रोसेसर डाल ही रहे हैं, इतना सब चीज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर जैसा कर दो भाई,
तो उससे फायदा ही होगा। एक तो मैंने कैमरा देखा कि ज़ाइस एक कैमरा रिलीज करने का बात कर रहा था, ZX1। इसमें मेन तिकड़म ये था कि ये फुल फ्रेम था और फिक्स्ड लेंस, 35 mm का फिक्स्ड लेंस था, लेकिन इसमें लाइट रूम का पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज डाला गया था, यानी कि आप जो फोटो खींचेंगे आप इसी में एडिट कर सकते हैं। और अगर आप एक्चुअली पता देखते होंगे सॉफ्टवेयर को, अगर आप ऑप्टिमाइज़ कर देते हो कि ये हार्डवेयर ऑप्टिमाइज़ करो, बहुत कम में चल सकता है। और आजकल के मॉडर्न जो सब कंप्यूटर ये है प्रोसेसर लगाए जाते हैं ये सब में, सोनी में, कैनन में, नाइकॉन में, ये सब में इतना पावर है कि लाइट रूम आराम से चल जाए, आराम से। और ऑब्वियसली चल पाएगा तभी तो वो सब फोटो खींच पा रहा है, तभी तो उसका आप रॉ कैप्चर कर पा रहे हैं। तो वो कर देने से ये एक समझ, एक स्टेप हटा देते कि ठीक है फोटो खींचा, वहीं पर उसको आप क्विक कर लिए थोड़ा सा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। वो कंप्यूटर और उससे और फायदा खुल जाता है कि आप हर ऐप मत डेवलप करो, लोगों को छोड़ दो। जैसे एप्पल क्यों इतना सक्सेस हो रहा है, एप्पल ने ऐप स्टोर बनाया कि भैया ठीक है ना, हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसमें लोग डेवलप कर, लोग ऐप डेवलप किए, वो ऐप के थ्रू उन्होंने मतलब पैसा कमाना शुरू किया, एप्पल बोला 30% हमारे तरफ दे दो। और मतलब दोनों भी खुश हैं कि मतलब हम खुश कि भैया हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसमें लोगों की कमाई हो रही है, और वो भी खुश कि भैया ये हम किसी को बेच सकते हैं ऐप, समझ रहे, दोनों को फायदा हुआ। कर सकते हैं, हार्डवेयर है, इक्विपमेंट है, करो। फिर इनको फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बढ़ानी होगी, मतलब ये जो खास करके कैनन का जो आर्टिफिशियल लिमिटिंग वाला सिस्टम है ना, कि 30 मिनट का लिमिट मैं पहले समझ सकता था कि यूरोपियन यूनियन नौटंकी किया था, ठीक है वो हटाए हुए हो गया, 1-2 साल हो गया, अभी भी नहीं, 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 नहीं देंगे, ठीक है एक पॉइंट के बाद, मतलब एक दो पॉइंट के बाद लोग खाद खड़ा कर देते हैं। और ये एप्पल नहीं है कि कुछ भी करेगा लोग खरीदेंगे ही, ऐसा ये नहीं है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी। और सोनी के साथ भी हुआ, सोनी से मैं जनरली मुझे लगा कि अरे सोनी बदल गया, सोनी सुधर गया, जापानीज ईगो हटा दिया। अच्छा फिर जो रिसेंट रिलीज किया 7C, मैं देख के समझ गया नहीं सुधरे हुए तो नहीं, वो हमको लगता है इस टीम में किसी को हटा दिया होगा जिनका काम होगा ना इसको क्रिपल करो, उसको हटा दिया गया होगा, वो गया गुस्सा अपना निकाल दिया 7C में। जेन्युइनली 7C भयानक कैमरा होता अगर उसका दाम आरपी जितना रखते, मतलब तब तो वो हटा देता, मार्केट हिला के रख देता, लेकिन दाम बहुत ज़्यादा है उसका। तो समझिए सोल्यूशन है इसका, कैमरा कंपनी अपने आप को बचा सकती है, और कुछ कुछ कैमरा कंपनी अलग अलग हिस्सों पर ध्यान दे रही है, लेकिन ये सबको मिलाना होगा क्योंकि मोबाइल बहुत भयानक स्पीड से बढ़ रहा है। अब ऑप्टिकल जूम मोबाइल फ़ोन में आने लगा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 8 साल के अंदर ऑप्टिकल जूम एक नॉर्मल मीडियम फ़ोन में आ जाएगा, जो कि मतलब 10 से 20 हज़ार के आसपास का फ़ोन में ऑप्टिकल जूम आने लग जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कैमरा को बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लो लाइट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मैच करा दे रहे, पिक्सल टू पिक्सल ऑलमोस्ट मैच करा दे रहे, तो क्या फायदा होगा इतना बड़ा। मैंने बोला मोमेंट की कीमत है ना कि कैमरा क्वालिटी की, तो सोल्यूशन है और ये सब कंपनी को ध्यान देना होगा, नहीं तो धीरे धीरे लोग हाथ खड़ा करेंगे। पहले कुछ लोग हाथ खड़ा करेंगे, लिए थे कैमरा यार नहीं कुछ फायदा नहीं हुआ, रख दिया मैंने ओएलएक्स पे बेच दिया, तो फिर देखते देखते वो नंबर बहुत बढ़ जाएगा, फिर देखते देखते लोग क्या कंपनी खत्म, क्योंकि कंपनी को मिलियंस एंड मिलियंस बेचना है तभी जाके वो टिक सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हाँ जो हार्डकोर हैं वो लोग खरीद रहे हैं, उससे नहीं चलती है कंपनी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, कैमरा कंपनी क्या लटकने वाली है और मामला गंभीर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल पर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।